हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि किस प्रकार से हम परचेज और सेल्स में एंट्री कर सकते हैं, वो भी मेडिसिन के लिए। ये कमेंट आया हुआ है मेरे पास और हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है इस बात के लिए कि इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाइए कि हम कैसे टैली ERP9 में मेडिसिन अगर परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो ये है साना खान नाम है इनका। चलिए ये देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन करता हूँ। ये टैली ERP9 ओपन हो रही है। अब यहाँ से हमें अकाउंटिंग बाउचर पे जाना है। आपको ये ध्यान रहे कि आपके कंपनी में कैश होना चाहिए, यानी कि आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो आप दवाइयों का स्टॉक तभी आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम, और यहाँ पर हमको चूज करना है परचेज बाउचर। पहले हम परचेज करेंगे दवा, फिर हम सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज बाउचर चूज करने के लिए यहाँ पर F9 प्रेस कर सकते हैं या माउस से क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देना है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो जो भी इनवॉइस नंबर हो वो आप दे दीजिए, और जिस भी डेट पर ये खरीदारी हो रही हो तो वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 भी डाल सकते हैं डेट, या जो भी आपकी डेट हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कैश आ रहा है, लेकिन हमने जो है सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर पार्टियों का लेजर बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो भी हमारी डेटर पार्टी है या क्रेडिटर पार्टी है उसको इस परचेज या सेल्स में इंक्लूड करना रहता है। तो यहाँ पर हमें क्रेडिटर पार्टी का नाम देना है, यानी ऑल्ट के साथ। अगर आपके पास आपने क्रेडिटर पार्टी का लेजर नहीं बनाया है तो आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है। जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी। अब मान लीजिए गणेश एंड फार्मा इस नाम से आपकी दवा की जो फार्मा है वो इस नाम से है। एंटर प्रेस करेंगे और ये जाएगा क्रेडिटर में, सन्ड्री क्रेडिटर। तो एस प्रेस करेंगे और यहां से आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ मेंटेन बिल वाइज डिटेल वाला ये जो ऑप्शन है उसको मैंने चालू रखा है। एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी उधार का काम नहीं कर रहे हैं। अगर उधार से हम खरीदेंगे तो उसकी एंट्री अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। अगर आप उधार लेते हैं तो कितने दिन में आप पैसे चुका देंगे, अगर उससे ज्यादा होता है तो उस पर ब्याज लगता है, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ गणेश एंड फार्मा, और एड्रेस यहाँ डाल देता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये डाल दिया एड्रेस हमने। ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे स्टेट का पिन, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आ जाएगा। एंटर प्रेस करके और इसको यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हैं अपना, तो जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा GST IN नंबर। तो ये आपके पैन नंबर से ही मिलता जुलता एक नंबर होता है, तो इसको मैंने डाल दिया। इसको टैली वेरीफाई करेगा। अगर आप GST डिटेल को यहाँ पे अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो रखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये सप्लायर का डिटेल आ गया। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे हम, एक मिनट, हाँ एंटर प्रेस करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सही कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अगर आपने परचेज का लेजर नहीं बनाया है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे लेजर बना लीजिए। लेजर बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है शॉर्टकट का, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और लेजर बना लीजिए। मेरे पास फिलहाल परचेज का बना बनाया लेजर है, तो यहाँ से मैं परचेज अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर स्टॉक हमें खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास कंपनी में पैसे होने चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। अब हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरासिटामॉल। ठीक है, तो ये पैरासिटामॉल की टेबलेट्स हम खरीद रहे हैं, और ये हम खरीदेंगे पीसेस में खरीदेंगे। तो PCS मैं करता हूँ यहाँ पे, या पैकेट्स में भी ले सकते हैं, PKT भी यहाँ पे बना सकते हैं हम। ये देख सकते हैं PKT बनाया मैंने पैकेट, तो ये ले लिया हमने। अगर आप GST में लगाना चाहते हैं अलग से तो वो भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल दिया हुआ है, सब पर अलग अलग GST लग जाएगा। तो यहाँ पे यस प्रेस करूंगा
तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं जो भी आइटम है, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ ड्रग आइटम, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। और इसका HSN कोड होता है, तो वो HSN कोड आप दे दीजिए, मैं फिलहाल डमी कोड डाल रहा हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, नॉन GST गुड्स तो ये है नहीं, और यहाँ पर ऑन वैल्यू रहने देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा टैक्सेबल। एंटर प्रेस करेंगे, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को नो रखेंगे। अगर आप इंटरस्टेट काम कर रहे हैं, इंटरस्टेट क्या होता है, आप मान लीजिए किसी राज्य के हैं जो कि उत्तर प्रदेश है, और आप मध्य प्रदेश में माल सप्लाई कर रहे हैं या बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टेट। तो अगर इंटरस्टेट वाली बात आएगी तो केवल एक ही GST लगेगा, वो है इंटीग्रेटेड टैक्स। GST जो है अलग अलग टाइप की है, तीन टाइप की है, एक्चुअली चार टाइप की होती है, लेकिन यहाँ तीन टाइप शो हो रहा है। पहला होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ये दोनों एक साथ लगाया जाता है अगर बात सेम स्टेट की होती है। सेस के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और एक और जो है GST होता है, जिसका नाम है UT GST, यानी यूनियन टेरिटरी वाला GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो जो है यूनियन टेरिटरी के लिए लागू होता है, इसीलिए इसमें शो नहीं कर रहा है। जब हम यूनियन टेरिटरी लेंगे तो उस समय ये शो करेगा। तो इस पर जो टैक्स है वो है 7.5% का, तो यहाँ 7.5 मैंने लिखा, 3.75 और 3.75 के हिसाब से ये डिवाइड हो गया, देख सकते हैं आप। एंटरप्राइस किया, या गुड्स रखा मैंने, एंटरप्राइस किया, एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं 200 पैकेट, तो यहाँ 200 पैकेट कर दिया, और एक पैकेट की जो कीमत है वह है 400 रुपए, यहाँ पे 400 कर दिया, और यहाँ पर उसके हिसाब से कीमत आ गई। अब यहाँ पर अगर कोई और भी दवा आप लेना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीप 52 लीप, ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो आ गई है, यहाँ से नहीं, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो अब यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लीप 52, ये एक सिरप है, ठीक है, इसे मैंने ले लिया और इसे मैं परचेस करूंगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बॉटल में परचेस करेंगे, तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी करके और यूनिट बना लेता हूँ BTL, बॉटल से मतलब है, फॉर्मल नेम बॉटल कर देते हैं, तो ये हो गया। और यहाँ पे बी प्रेस करता हूँ बैग्स बंडल बकर्स और ये बॉटल्स, यहाँ पे बॉटल्स आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। एंटर प्रेस किया हमने, डेसिमल प्लेस जीरो ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आप अलग से GST देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ ड्रग आइटम, ये लिखा हमने, और HSN कोड डमी कोड में डाल रहा हूँ, HSN कोड सबका अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑन वैल्यू रखूंगा, और यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा, 7.5% का ही टैक्स लगा रहा हूँ यहाँ पर भी। एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब 600 बॉटल हम खरीद रहे हैं, और एक बॉटल की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 40 रुपए, या बल्कि 35 रुपए कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें GST लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले CGST की बात करेंगे, ठीक है। तो CGST जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेट होकर आ चुका है, ओके। और SGST अब लगाएंगे तो यहाँ पे SGST भी कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब समझने वाली